अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा समंदर के रास्ते गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि कनाडा इमदाद पहुंचाने के लिए बैनुल अक्वामी इत्तेहाद में शामिल होगा। लाखों फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो की हुकुमरान जमात पीसी को लिबरल्स पर बरतरी हासिल। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 34% शहरी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव को वोट देंगे। सूबाई लिबरल पार्टी को 24% हिमायत मिली। रमजानुल मुबारक में भी इसराइल बाज ना आया। 24 घंटों में 95 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हठधर्मी के बायस गजा में जंग बंदी मुआहदा भी ना हो सका। निहत्ते और मासूम फलस्तीनी बगैर सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों के यमन पर 5 हमले, 11 शहरी शहीद। बमबारी में दर्जनों शहरी जख्मी भी हुए हैं, जबकि शहदा में बच्चे भी शामिल। यमनी फौज का कहना है कि गजा पर हमले और नाकाबंदी के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जॉली ने कहा है कि कनाडा समंदरी रास्ते से गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए बैनुल अक्वामी कोशिशों में शामिल होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जॉली ने कहा है कि कनाडा समंदरी रास्ते से गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए बैनुल अक्वामी कोशिशों में शामिल होगा, क्योंकि लाखों फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। जॉली ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा बैनुल अक्वामी इत्तेहाद में शामिल होगा, जो कब्र से शुरू होने वाले इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा के लिए इमदाद के बहाव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। मजीद तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। ये ऐलान जूलियो मुतहदा अरब अमारात में उनके हम मनसब वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान मुलाकात के बाद सामने आया। मिलाली जूली ने एक पर अपने बयान में कहा कि हमने हर मुमकिन तरीके से गजा तक पहुँचने वाले इंसानी इमदाद की मकदार को बढ़ाने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। मैंने अहद किया कि कनाडा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर समंदरी राहदारी के जरिए ऐसा करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होगा। जुमे के रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात ने यूरोपीय कमीशन के साथ जर्मनी, यूनान, इटली, नेदरलैंड्स, कब्रस, बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर मेरी टाइम कॉरिडोर खोलने के अपने इरादे का ऐलान किया। 5 माह की जंग के बाद लाखों फलस्तीनी भूखे मर रहे हैं और इमदाद के लिए जोर उस वक्त आता है जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में पीर से मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमजान शुरू हो गया है। अमेरिका, उर्दन और दीगर की तरफ से हवाई जहाजों के साथ साथ समंदरी राहदारी का इफ्तिताह गजा के मोहलिक इंसानी बहरान पर बढ़ते हुए खतरे और जमीनी तरसील पर इजरायली कंट्रोल को नजरअंदाज करने की नई ख्वाहिश की अक्कासी करता है। लेकिन इमदादी हुकाम का कहना है कि फिजाई और समंदरी तरसील जमीनी रास्तों की कमी को पूरा नहीं कर सकती। रोजाना गजा में दाखिल होने वाले इमदादी ट्रकों की तादाद जंग से पहले दाखिल होने वाले 500 से बहुत कम है। इसराइल ने कहा कि वो समंदरी तरसील का खैर मकदम करता है और गजा जाने वाले सामान का मुआयना करेगा इससे पहले कि वो करीबी कब्रस में स्टीजिंग एरिया से निकले। कनाडा के सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत को लिबरल लीडर बॉनी क्रॉम्बी पर दोहरे हिंसे की बरतरी हासिल है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत को लिबरल लीडर बॉनी क्रॉम्बी पर दोहरे हिंसे की बरतरी हासिल है। एक नए सर्वे से पता चलता है कि रिहायशियों का यह भी मानना है कि सूबा हाउसिंग की तामीर को फरोख देने के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है। सर्वे के मुताबिक
तकरीबन 34% जवाब दहिंदगान प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव को वोट देंगे अगर आज कोई इलेक्शन होता है। सूबाई लिबरल पार्टी को 24% हिमायत मिली, जबकि 16% जवाब दहिंदगान ने कहा कि वो ऑन्टेरियो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे। तकरीबन 17% जवाब दहिंदगान गैर फैसला कुन थे। सर्वे से पता चलता है कि लिबरल्स इस वक्त शुमाली ऑन्टेरियो में पीसीज पर तकरीबन 1% की बर्तरी का दावा कर रहे हैं, जबकि फोर्ड की हुकूमत को मशरक के साथ साथ जुनूब वस्ती और जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो में नुमाया तौर पर ज्यादा हिमायत हासिल है। टोरंटो और 905 में पीसी और लिबरल 3-5% पॉइंट्स के दरमियान एक दूसरे के साथ हैं। फैसला कुन वोटरों में से तकरीबन 39% पीसी के लिए अपना वोट डालेंगे, जबकि 29% ने लिबरल्स को वोट देने का इरादा किया है। पोल में रिहायशियों से यह भी पूछा गया है कि क्या उन्हें यकीन है कि ऑन्टेरियो में काफी घर बनाए जा रहे हैं और उनके लिए कौन जिम्मेदार है। ये पूछे जाने पर कि क्या आज ऑन्टेरियो में 5 साल पहले के मुकाबले में कम या ज्यादा मकानात तामीर किए जा रहे हैं, तकरीबन 41% जवाब दहिंदगान ने कहा कि ऐसा ही है। ताहम जवाब दहिंदगान की इतनी ही तादाद तकरीबन 40% ने कहा कि सूबाई हुकूमत अपने विफाकी और म्यूनिसिपल हम मनसबों पर नई रिहायश गाहें बनाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है। डकफोर्ड ने कहा कि जब कॉन्डो में रहने वाला कोई बुजुर्ग तवील मुद्दती निगहदाश्त के लिए बाहर जाता है तो उसे घर कहा जाता है, उनका अपना कमरा है, वो खाने के कमरे में सबके साथ खाते हैं। इसराइल ने रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर भी बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा है। गजा के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों में 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 130 जख्मी हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइल ने रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर भी बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा है। गजा के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों में 24 घंटे के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 130 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज की जानिब से गजा सिटी के अतराफ में हमलों के नतीजे में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। तलकरम और नूर शम्स पनाह गुजीन कैंप पर हमले में मुतादिद फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली हठधर्मी के बायस गजा में जंग बंदी मुहिदा भी ना हो सका। निहत्ते मासूम फलस्तीनियों बगैर शहरी रोजा रखने पर मजबूर हैं। काबिज इसराइली फौज ने सैकड़ों फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से भी रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इतवार की रात माह रमजान की पहली तरावी के मौके पर मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने सख्त नाकाबंदी करते हुए मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। इजरायली पाबंदी के बावजूद मुतादिद फलस्तीनी नमाज तरावी के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने में कामयाब रहे। दूसरी जानब हिजबुल्लाह की जानब से इजरायली इलाकों पर हमले किए गए, जबकि लबनान के हदूद में आने वाले इजरायली ड्रोन का हमला भी नाकाम बनाया। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमजान में गजा जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मुसलमानों का अमन और सलामती फैलाने वाला माह मुकद्दस रमजान शुरू हो गया है। माह मुकद्दस में भी गजा में बमबारी, खूनरेजी और हलाकत खेजी जारी है। वाजह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की मजमू तादाद 31,000 से तजावुज कर गई, जबकि 72,654 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों ने यमन पर 5 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 11 शहरी शहीद हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों ने यमन पर 5 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 11 शहरी शहीद हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक हमले यमन के इलाके सादा, मिज़, तकिया, बिजल और अल अर्ज में किए गए। मगरबी फिजाइया की बमबारी में दर्जनों शहरी जख्मी भी हुए, जबकि शहदा में बच्चे भी शामिल हैं। जनवरी से अमरीका और बरतानिया ने बहरी जहाजों के हमलों के जवाब में यमन में हौसियों के ठिकानों पर बार बार हमले किए हैं। यमन की मुसल्ला फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याहिया सारी ने कहा है कि यमनी फौज ने बुहिरा अहमर में एक अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया है। ब्रिगेडियर याहिया सारी ने ताकीद की कि गजा पर हमले और नाकाबंदी के खात्मे तक हम बहरी जहाजों को मकबूजा फलस्तीन की बंदरगाहों पर जाने से रोकते रहेंगे। ब्रिगेडियर सारी ने बताया कि बुहिरा अहमर में जिस अमरीकी बहरी जहाज को मुतादिद मिजाइलों से निशाना बनाया गया, उसका नाम पिनूचियू था। यमनी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते भी बुहिरा अहमर में 2 अमरीकी तबाहकुन तैयारों को निशाना बनाया था। यमनी फौज ने गुज़िश्ता चंद महीनों में गजा की पट्टी में फलस्तीनी कौम की मज़ाहमत की हिमायत में बुहिरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब में मकबूजा इलाकों के लिए जाने वाले मुतादिद सहयूनी बहरी जहाजों को निशाना बनाया। यमन ने अजम किया कि जब तक सहयूनी हुकूमत गजा पर अपने हमले बंद नहीं करती है, वो इस हुकूमत के जहाजों या बुहिरा अहमर में मकबूजा इलाकों के लिए जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रखेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खलीज अदन और बुहिरा अहमर में दीगर बहरी जहाजों के लिए जहाज रानी को मुकम्मल तहफ्फुज़ हासिल है।
برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے مزید کہا کہ پیر کو یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل سے دور ایک بحری جہاز کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ جہاز اور عملہ دونوں محفوظ رہے۔ جنوری سے امریکہ اور برطانیہ نے بھی بحری جہازوں کے حملوں کے جواب میں یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بار بار حملے کیے۔ حملوں نے حوثیوں کو پسپا نہیں کیا جو تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تب سے امریکی اور برطانوی جہازوں کو جائز اہداف قرار دیا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اپنے میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔